कम्युनिकेशन न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं रोहित शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दर्शक, मेरे सारे भाई बंधु ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे जापान के बारे में। बहुत सारे लोगों ने पूछा सर जापान से वैकेंसीज कब तक आएंगी, जापान कैसी कंट्री है, कौन लोग यहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये सभी टॉपिक्स पर, सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आज आया हूँ। उससे पहले विनती करना चाहूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए, जहां पर सबसे पहले आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सीधा आपके फोन तक पहुंचती है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे टॉप 10 इंडस्ट्रीज इन जापान। मेन मुद्दा यह है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों की मेल्स हमारी टीम के पास आ रही, सर जापान में वैकेंसीज कब आएंगी, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या चांसेस रहेंगे। तो सुनिएगा कान के पर्दे खोलकर। मैं हमेशा कहता हूँ जिस भी कंट्री में आपको जाना हो, सबसे पहले आपके पास उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वह कंट्री कैसी है, वह कंट्री की जीडीपी कैसी है, वह कंट्री के संबंध हमारी कंट्री से कैसे हैं, उनका खान पान लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। दोस्तों जापान एशिया की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ के लोग वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर लोगों में गिने जाते हैं और एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे लेवल पर तरक्की कर रहा है जापान। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनीज, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कंपनीज, इनके सीधे जो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होकर आते हैं, भारत में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अगर मैं बात करूँ सैमसंग की, मैं बात करूँ एलजी की, साउथ कोरिया और जापान, यहाँ से निकली हुई कंपनीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का सबसे बड़ा हब जापान माना जाता है। तो 10 बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें जापान में, तो पहली इंडस्ट्री आती है दोस्तों, जापान इज अ मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड और ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड रहती है। दूसरे अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाता है जापान, क्योंकि आज के टाइम पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ई बाइक्स का, इलेक्ट्रिकल बाइक्स का बहुत ज्यादा क्रेज है। इसे देखते हुए जापान बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा चुका है और लगाया पूरे वर्ल्ड से रिकॉर्ड है इसका यार। और दूसरा इसमें बात करें लेबर की, यहाँ पे शॉर्टेज रहती है, एशिया से ज्यादातर लेबर ये लोग बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। या जापान में सैलरीज की बात करूं, एक एवरेज सैलरी, एक मिनिमम पर्सन की सैलरी भी वहां पर लेबर क्लास में कम से कम 2 लाख रुपए है। जापान ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला लेबर को देश गिना जाता है, यह विश्व के रिकॉर्ड में दर्ज है, आप चेक कर सकते जाके। करेंसी की बात करें तो येन यहाँ की करेंसी है। और जापान में 10 बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज के नाम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, कौन सी 10 बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं दोस्तों। पहले अगर मैं बात करूं, पहले नाम पर आती है होकाइडो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, बहुत बड़ी नामी गिरानी कंपनी और जिसके पास अगर मैं बात करूं कम से कम 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग देशों से आए हुए एम्प्लॉयज लेबर आपूर्ति को पूरा करते हैं और यहाँ पर जॉब की दबा के वैकेंसी रहती है। दूसरी बड़ी कंपनी है दोस्तों तोहोको इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बड़ी कंपनी है टेपको पावर इलेक्ट्रिकल कंपनी, ये भी एक बहुत ही नामी गिरामी और वर्ल्ड की फेमस कंपनीज में से आती है। चुबू इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी, ये ट्रांसफार्मर्स बनाती है, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके बाद बात करें होकुगिरु इलेक्ट्रिकल कंपनी और क्वाइशु इलेक्ट्रिकल कंपनी, तो ये सारी 5 से 6 कंपनीज जो मैंने नाम बताए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप आईटीआई वाले हैं, अगर आपके पास लेबर की भी नॉलेज है, जापान में आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु कुछ हाई क्लास पोस्ट में अगर आप अप्लाई करें तो आपसे जापानीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। ये सवाल था बहुत सारे कैंडिडेट्स का कि सर क्या जापानीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। बिल्कुल दोस्तों, जापानीज की रिक्वायरमेंट उन लोगों से मांगी जाती है जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की प्रोफाइल पर एक अच्छी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। लेबर क्लास की मैं बात करूं तो लेबर क्लास में इतना ज्यादा नहीं मांगा जाता, परंतु कई जगह पे एक्सपीरियंस आपसे मांग लिया जाता है, तो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इंग्लिश में भी इंटरव्यूज यहाँ पे आएंगे, ये मत सोचना कि यहाँ पर हिंदी में इंटरव्यू होगा और बिना इंटरव्यू के आप चले जाओगे। अगर कोई पर्सन आपको ऐसा कहता है तो फेक कमिटमेंट एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन अ फेक कमिटमेंट। इसमें जो जॉब रहती है दोस्तों आईटीआई, लेबर, इंस्टॉलेशन, असेंबलिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर वायरिंग की जिसके पास नॉलेज है वह लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की जिनके पास नॉलेज है वह लोग भी यहाँ अप्लाई करें। कुछ लैंग्वेजेस की डिमांड भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे हम पाइथन और आर लैंग्वेज कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस लैंग्वेज की डिमांड आज के टाइम पर आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो लोग अभी जॉब्स कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा पास आउट हैं, फ्रेशर हैं, डिग्री होल्डर हैं, वह पाइथन एंड आर लैंग्वेज भी सीखने के लिए हम लोगों से संपर्क करें, क्योंकि इसके बाद अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का मौका आपको हम लोग देते हैं।
गाइडेंस आपको हम करते हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने पूछा यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की वहां पर सैलरीज क्या है सर। 3 लाख येन की मैं बात करूं तो यह पर ईयर एक जापानीज कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहा है कमा रहा है, और इसकी एवरेज सैलरी एक साल की मैंने आपको बताई, जिसमें अकोमोडेशन टिप्स बोनस और ये सब चीजें निकाल कर आपको मैंने ये सैलरी बताई, यानी कि ये सब चीजें एक्सक्लूडेड करने के बाद वह व्यक्ति यहाँ पर जॉब करके पैसा कमाता है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज का समय है और अलग अलग देशों से यह चीजें खुल चुकी हैं, तो ये सोचना कि जापान में अप्लाई करने के लिए आपको ये सोचना देर लगानी पड़ेगी, आप अप्लाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी प्रोफाइल आगे जाती है। इसमें एक चीज और पूछी गई कुछ लोगों के सवाल थे दोस्तों, क्या जापान फॉरेन इंजीनियर्स को हायर करता है? हाँ बिल्कुल, जापान फॉरेन इंजीनियर्स को हायर करता है, खासकर इंडिया के इंजीनियर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांडेड रहते हैं, परंतु आपके पास स्किल्स नॉलेजेस होनी चाहिए, सीवी आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। जो लोग सीवी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं बनवाते या नहीं बना के रखेगा, सीवी बनवाने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल फील्ड की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते, जापान में बेस्ट ऑप्शन है फॉरनर्स के लिए। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, बिना इंग्लिश वाला अप्लाई मत करना, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। और जापानीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मांग लिया जाता है कुछ केसेस में, हमेशा हर केसेस में नहीं, कुछ केसेस मैंने आपको बताया। इसके बाद कुछ लोगों ने पूछा गया जापान में किस किस शहरों में सर इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में इसकी डिमांड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा है, भर भर के है। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया में बात करें, ओसाका, नागोया और एची प्रिफेक्चर, ये सारी जगह पर जापान में इलेक्ट्रिकल का हब माना जाता है और सैलरीज की एक बहुत ही बड़ी डिमांड रहती है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, आपका सीवी, आपका कवर लेटर ये आपके पास होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको दिखाने पड़ते हैं, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स कि आप कहां के रहने वाले हैं, क्या प्रूफ है आप काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। परंतु आपके पास स्किल्स होना चाहिए, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ गाइडेंस के लिए। कोई भी सलाह आप चाहते हैं किसी भी घंटे के लिए, फ्री गाइडेंस हम लोग देते हैं। और आज के लिए आप चाहूंगा जिन लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके मित्रों तक भाइयों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो जापान जाना चाहते हैं, जापान जाने के इच्छुक हैं, वह हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल आईडीज पे और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, सीधे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं डिटेल अपनी और टीम आपको उसके बाद सही गाइडेंस पे बात करेगी। कुछ चार्जेस हमारी कंपनी के रहते हैं पर हम एक नॉमिनल प्राइस पे काम करते हैं। आज के लिए ज्यादा चाहूंगा बने रहिए लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद।